उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को अन्ना जानवरों से निजात दिलाने के लिए गांव-गांव में गौशालाओं का निर्माण करवाया, ताकि आवारा गौवंश भूख प्यास से ना तड़फें और किसानों का भी नुकसान ना हो। लेकिन झांसी जिले में मुख्यमंत्री के आदेशों को खुलेआम ग्राम प्रधान ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से गुस्साए किसानों ने आज झांसी के मऊरानीपुर के खंड विकास कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अन्ना जानवरों से निजात दिलवाए जाने की मांग की है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज सैकड़ों किसानों ने खंड विकास कार्यालय मऊरानीपुर में धरना प्रदर्शन किया है, जहां किसानों ने जमकर अधिकारियों और प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने बताया कि वह सर्दी भरी रातों में खुले आसमान के नीचे खेत पर अपनी फसल की रखवाली करते हैं, इसके बावजूद भी अन्ना जानवर उनकी फसलों को चौपट कर रहे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल के किसानों ने रख दी। उनकी मांग है कि ग्राम प्रधान जानबूझ कर गौवंश छोड़ देते हैं और किसानों को अन्ना जानवर से परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर किसानों की समस्या को दूर किए जाने की मांग की है। पेट का सवाल है साहब, पेट पे लात मारी जा रही है। शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अन्ना जानवर गौशाला में, अगर गौशाला में है तो फिर ये सैकड़ों किसान आज ब्लॉक का घेराव धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें पड़ी है कि अपना घर खेत छोड़कर इस ब्लॉक में बैठे हैं? तो साहब बड़ी दयनीय स्थिति है, अन्ना जानवर से फसलें नहीं बच रही है, हम लोग खेतों के पहरेदार बन गए हैं। जिम्मेदार अधिकारी सरकार मौन है, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। इतने अन्ना जानवर घूम रहे हैं, इस समय किसानों की रबी फसल तैयार हो रही है जिसमें चना मटर राई गेहूं की फसलें बोई गई हैं। कई ऐसे किसान यहाँ बैठे हैं जिनकी फसलों को अन्ना जानवरों ने चर लिया। किसान ने घर के जेवर गिरवी रखकर साहूकारों से कर्ज लेकर खेतों में रबी की फसल बोई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन की नाकामी के चलते किसान आज यहाँ वीडियो ब्लॉक मऊरानीपुर में बैठा हुआ है। आज ये मांग कर रहा है कि अन्ना जानवरों की रख रखाव सरकार करे, विकास खंड मऊरानीपुर करे। किसानों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन घेराव किया है, मांग है कि जो हमारी फसलों को अन्ना जानवरों ने बर्बाद किया है उसका सर्वे कराया जाए, मुआवजा दिया जाए और अन्ना जानवरों को गौशालाओं में रखा जाए, चारे भूसे की व्यवस्था सरकार करे और किसानों की हाड़ तोड़ मेहनत से जो फसलें बोई गई हैं, जो खेतों में रात दिन झोपड़ी बना के किसान बैठा है, सिर्फ खेती किसानी के दम पे जिंदा है, तो बुंदेलखंड का किसान अन्ना जानवरों के कहर से परेशान है और मुख्यमंत्री जी से लेकर जिला प्रशासन मौन है, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज यहाँ पर मजबूर होकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो आने वाले दिनों में यही किसान उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की। गऊ के बारे में परेशानी है जो है, वो रात में जो है बच्चा, हम लोग हर इंसान जो है वहाँ रहते हैं और फिर भी रात भर में आँख भी छोटा तो जरूर है, इंसान 24 घंटा तो जगेगा नहीं, तो कई एक ना एक दिन जो सो जाता है उसके समय में जो है फसल नष्ट कर जाते हैं। तो क्या गौशाला जो बनी है रोनी में उसमें जानवर नहीं है क्या? उसमें जानवर नहीं है, कहाँ है? समस्या यह है कि रोनी के ढोए जो आ रहे हैं, हम लोगों की फसलें खा रहे, मतलब फसलें खाए, आज भी एक खेत खा गए, रोजी ना करनी है हमें, वहाँ पे ना गौशाला है ना कुछ नहीं, ना ढोल बैठते हैं, व्यवस्था नहीं कहते हैं गौशाला में। और एक बार उनने बाड़े में भेड़ भी लाए थे और छोड़ भी रहे, वो हमसे कहे वहाँ पर अस्थायी गौशाला नहीं है क्या? वहाँ पर नहीं, गौशाला है एक वहाँ पे, वहाँ जानवर नहीं है। हाँ हाँ, एक भी जानवर नहीं है उधर। तो आज आपने इसकी शिकायत कहाँ की? पहले हमने देखो DM साहब एक सूचना दे दी, फिर आज धरना में हमने कहा ब्लॉक में जाएंगे, वो BDO साहब से कहेंगे। जो आपका जो नुकसान हुआ है आप क्या चाहते हैं? हमारा मुआवजा दिलाया जाए, जो नुकसान हुआ जितना नुकसान है मौके पे चल के देख लो, जो नुकसान है उसका मुआवजा दिलाया जाए, नहीं तो प्रधान अपना इंतजाम करेगा। बट यहाँ पर किसान यूनियन के लोगों और किसानों द्वारा धरना दिया गया और उनकी कुछ मांगे थी, स्पेशली गायों के संबंध में उनकी माननी थी कि गाय जो है अन्ना गोवंश उनके खेत चर जा रहे हैं, उसके संरक्षण के लिए इनके द्वारा मांगे प्रस्तुत की गई हैं। ग्राम पंचायत रोहनी के गौशाला संचालन के संबंध में इनकी मांगे थी, उनकी मांगों का समाधान यहाँ ग्राम प्रधान और सचिव की उपस्थिति में करा दिया गया है। एक अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया गया, चूँकि उसकी क्षमता कम थी और इस कारण जो है पूर्ण रूप से वो गौशाला काम नहीं कर पा रही थी, तो अस्थायी बाड़े का भी वहाँ पर व्यवस्था करा दिया गया कि
फसलों तक कोई भी अन्ना पशु बाहर ना विचरण करें, उसके लिए इनके समाधान करा दिया गया है। किसानों का कहना है कि वहाँ पर जो गौशाला बनी हुई वहाँ पर एक भी जानवर नहीं रहते हैं, सारे जानवर रोडों में और खेतों में घूम रहे हैं। पहले गौशाला को संचालित कराया गया था, चूँकि उसकी गौशाला की क्षमता सीमित थी, लेकिन वहाँ पर अन्ना पशुओं की संख्या ज़्यादा थी, ज़्यादा है। इसके लिए अस्थायी रूप से प्रधान जी को एक बाड़े की व्यवस्था करा दी, कराने हेतु बता दिया गया है कि जो भी उस गांव में 500-600 पशु हैं उसमें संरक्षित करा दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए, क्योंकि पूरे साल भर की किसानों की आमदनी होती है उसमें, और अन्ना पशुओं की वजह से उनके पशुओं को कोई, उनके फसलों को कोई नुकसान ना पहुँचे, प्रधान जी से स्पष्टली कह दिया गया है। किसानों का कहना है कि उनकी 5 बीघा फसल को नष्ट कर दिया गया है पशुओं द्वारा, उसमें क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? ऐसा कोई व्यवस्था तो मुआवजा का नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ें ना हो। प्रधान जी द्वारा खुद कबूला गया है कि गौशाला में जानवर नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? गौशाला वहाँ पर एक मंदिर समिति है, उस मंदिर समिति को गौशाला हस्तांतरित की गई है। प्रधान जी से हमने कई बार कहा भी था, तो उनके द्वारा कहा गया कि हमें हैंडओवर नहीं किया गया है, लेकिन हैंडओवर चाहे जिसके भी हो, प्रधान जी से स्पष्टली निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत में है वो, और ग्राम पंचायत की सम्मति है, संपत्ति है, उसमें गोवंश संरक्षित करना अनिवार्य है, अतः उसमें गोवंश संरक्षित कराएं। मऊ रानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।